हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन सी पांच चीजें हैं जो आपको खाने के बाद नहीं करनी है, जो कि आपकी दिक्कत कर सकते हैं आपके शरीर में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे, ताकि इसी तरीके के अच्छे अपडेट्स आपको हम देते रहें अपनी अच्छी वीडियोस के थ्रू। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि एक चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद या खाना खाने से एक घंटे पहले, ध्यान रखेंगे, खाना खाने के बाद या खाना खाने से एक घंटे पहले आपको चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना है, यानी आपको चाय या कॉफी नहीं पीनी है। ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है हमारी बॉडी के लिए। हालांकि ये चीज नोटिस में नहीं आती है, बट कहीं ना कहीं इंटरनली आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती है। तो आपको इसका खासकर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इससे होता क्या है कि आपको इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, यानी आपका डाइजेशन से रिलेटेड काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं और आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, और साथ साथ में आपके डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाएंगे तो उसके आसपास में आपको कॉफी चाय जैसी चीजों का सेवन नहीं करना है। अब दूसरी बात आती है पानी का यूज। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे खाना खाते टाइम आपको पानी का यूज नहीं करना है, मतलब खाना खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको बहुत इफेक्ट करेंगी। इसमें होता क्या है कि अगर आप खाना खाने के साथ पानी का यूज कर रहे हैं और या खाना खाने के बाद तुरंत पानी ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इसके साथ साथ एक चीज का खासकर ध्यान रखना है कि आपको फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि ये अपराध की तरह माना गया है। बिकॉज क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा हानिकारक, यानी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है हमारी बॉडी को। क्योंकि ऐसा करने से होता क्या है कि अगर आप खाने के साथ साथ पानी का यूज कर रहे हैं या थोड़ी देर बाद पी रहे हैं या ठंडा पानी पी रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, खाना जो आप खाते हैं वो एक ही जगह पर गुच्छे की तरह इकट्ठा हो जाता है, यानी कहीं एक जगह पर कलेक्ट हो जाता है, जो कि अच्छा सा खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन में भी फंस जाता है, और ये फिर कहीं ना कहीं हमारे आगे चलकर अपेंडिक्स भी बन जाता है। यानी अपेंडिक्स एक तरीके का पेन होता है जो पेट के साइड में होता है, और फिर डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि आपके बड़े हाथ में खाना सड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत करेगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि खाना खाने के साथ या बाद में पानी ना पिए। अगर पानी पीना है तो उसका सही टाइम होता है कि आपने खाना खा लिया उसके 45 मिनट के बाद, यानी आधे घंटे या 45 मिनट के बाद अगर आप पानी पी रहे हैं तो उसका एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और ऐसे में होता क्या है कि जो पाचन है वो अच्छे से होता है, यानी जो खाने का जो भोजन का जो रस है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और पेट आपका साफ रहता है। और साथ साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद जो आप पानी पी रहे हैं वो हल्का गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि हल्का गुनगुना पानी हमेशा खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। अब बात आती है तीसरे चीज के बारे में, खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं सोना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। काफी लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ यही करते हैं, खाना खाते हैं तुरंत बेड पर चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर फोन वगैरह चलाए और सो जाते हैं। बहुत गलत इस प्रोसेस है। आपको क्या करना है, खाना खाने के तुरंत बाद आपको थोड़ी देर वॉक पर निकलना है, यानी हल्का वॉक करना है, भागना नहीं है। भागने से खाने में आपके स्टमक में पेन हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, आपको बस हल्का हल्का वॉक करना है, यानी 100 कदम अगर आप चल भी लेते हैं तो बहुत है आपके लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो इसमें होता क्या है कि आपके सीने में जलन होने लगती है, सीने में जलन के साथ साथ खर्राटे लेना और स्लीप एमिनिया करके इस तरीके के काफी सारी प्रॉब्लम्स है जो हो सकती हैं, और साथ साथ में आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करने से खाना नीचे चला जाता है और नीचे जाने के साथ साथ वो अच्छे से डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद कभी ना सोएं, हल्की वॉक पे जरूर निकले, या तो चाहे घर पे करिए या बाहर निकल जाइए, थोड़ी देर टहलना बहुत जरूरी है। चौथी बात, खाना खाने के बाद सिगरेट कभी नहीं लेनी है आपको, ध्यान रखना है। वैसे तो सिगरेट हानिकारक होती है बॉडी के लिए, ये सभी जानते हैं, लेकिन अगर आपने खाना खाने के बाद सिगरेट का यूज कर लिया, इफेक्टिव हो जाती है, यानी हानिकारक हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है खाना खाने के बाद सिगरेट का यूज ना करें। अब बात आती है पांचवी चीज के बारे में, जिसको जानना बहुत जरूरी है आपको, वो है अल्कोहल का सेवन। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद आपको कभी भी या खाना खाने के साथ अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, यानी हानिकारक चीज है। कभी भी खाना खाने के साथ साथ अल्कोहल का सेवन ना करें, या तो 20 मिनट पहले ले लें या तो खाना खाने के 20 मिनट बाद आप अल्कोहल ले सकते हैं, बट आपको साथ में अल्कोहल नहीं लेना है, ये बहुत ज्यादा
इफेक्ट करता है, और साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह कि अल्कोहल हमें लेना ही नहीं चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक चीज है। लेकिन अगर आप लेते भी है तो सही मेथड के साथ लें, खाना खाने के साथ बिल्कुल ना लें, और खाना खाने से पहले अगर लेना चाहते तो 20 से 25 मिनट पहले ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के साथ ना लें। अगर खाना खाने के बाद लेना चाहते हैं तो 25 से 30 मिनट के बाद आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर आपको नहीं लेना है, ये बहुत ही ज्यादा आपको हानिकारक देगा, यानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो दोस्तों ये कुछ 5 ऐसी टिप्स थी जो खाना खाने के बाद आपको नहीं करनी है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगा यानी हानिकारक है। और ये कुछ छोटी चीजें होती है जिनको हम इग्नोर करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम तो इग्नोर कर रहे हैं पर हमारी बॉडी इस चीज को इग्नोर नहीं करती है, और इस पे एक बहुत ही गलत और नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो दोस्तों इस चीज को आप फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ शेड्यूल हेल्दी रहे, अच्छा रहे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है प्लीज इनबॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके, और किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। धन्यवाद दोस्तों।